एंड यहाँ पे ड्यूक 250 BS6 फुल्ली पैक्ड अप टैंक बैग और ये बैग। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। सॉरी ग्लव्स नहीं पहना है, अभी रिफ्यूल के लिए रुकना है, सो नो ग्लव्स फॉर नाउ। मैं और जुबिन निकल चुके हैं कलकत्ता से वापस घर के लिए और बज रहा है दोपहर का 2:45, मतलब ये आधा राइड दोपहर का होगा। आई थिंक सिटी में ही एक घंटा जा रहा है, बाकी का शाम वाला राइड रहेगा। तो एक्साइटिंग है जर्नी, एक्साइटिंग है, 300 किलोमीटर का जर्नी है। एंड आते समय मैं अकेले आया था, ये अलग आया था दो दिन बाद मेरे, और अभी निकल रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, यहाँ ज़्यादा मस्ती करा, व्लॉग वगैरह उतना ज़्यादा नहीं बनाया, बट यस जर्नी कर रहे हैं तो व्लॉग तो बनेगा ही। तो स्टे ट्यून्ड रहो, अभी हम लोग हैं माँ फ्लाई ओवर कलकत्ता में और दोनों बाइक्स पूरा पैक्ड है चारों तरफ से, देखो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है गाइस, काफ़ी लेट होगा लगता है कलकत्ता से निकलने में। एक्चुअली दिक्कत यह है कि भाई काम वाम करके निकले थे, सो थोड़ा लेट हो गया। टू व्हीलर लेन डूड, व्हाई कार्स एंटरिंग फ्रॉम हियर, लगता है निकल गए हम लोग, हु नोज। सो जल्द से जल्द घर पहुंचना है, आई अज्यूम 8 बजे रात तक हम लोग घर पे होंगे, बट हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे बिकॉज स्टॉप भी मैं लूँगा, मैं ऐसे ही नहीं राइड करते रहूँगा लॉन्ग, एंड ना ही जुबिन करेगा, हम दोनों को ब्रेक्स चाहिए। आई होप आप फ्यूल रेंज देख रहे हो, मेरे बाइक का फ्यूल रेंज अभी 300 किलोमीटर दिखा रहा है, मैंने एक्चुअल टिपी टॉप तक इसको भर दिया एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेंज मिलने वाला है आज टैंक से। कहाँ रुके यहाँ? ऑल राइट, सो मैं और जुबिन अभी अराउंड 4:15 हो रहा है, जितना हो सके डिस्टेंस हम लोग डेलाइट के पहले कवर करेंगे। जुबिन रैश नहीं चलाता, बहुत ध्यान से चलाता है, सो मैं कुछ इस तरह से चलाने का ट्राई कर रहा हूँ कि मैं रैश ना चलाऊँ बट वो मुझसे कीप अप कर पाए। बाइक में कोई सीन नहीं है उसका, बाइक एक्चुअली मेरे बाइक से थोड़ा सा फास्टर है, मतलब एक्सेलरेशन में उतना अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियोस, एंड ये ट्रिप बहुत ज़रूरी था मेरे पैशन को मुझ तक वापस लाने के लिए, बिकॉज मेरा पैशन यही है, ये मेरा फेवरेट काम है गाइस। काश इसके लिए ही सैलरी मिलता या इसके लिए ही कुछ, मतलब ज़िंदगी भर के लिए करियर बना सकते थे, बट रियलिटी है कि पता नहीं, यूट्यूब तो पता नहीं कितने दिन तक रहता है, आई डोंट नो। अगर आपका फॉलोइंग ठीक ठाक बन भी गया, फ्यूचर क्या है, लाइक 5 years 6 years उसके बाद, तो वही है, अपना करियर भी साइड साइड चलाते रहो, हर चीज़ को बैलेंस करके चलाओ, मस्ती करो। और भाई जब मस्ती करना है तब कोई डिस्काउंट नहीं, फुल मस्ती। ड्यूक 200 नाइस गाइस, सबसे पहले तो एक लाइक छोड़ दो बिकॉज ब्रो तुम्हारा मेहनत कर रहा है व्लॉग बनाने के लिए, अभी थोड़ा टाइम भी कंज्यूम होता है, कंसंट्रेट कम कर पाएंगे अगर व्लॉग बनाएंगे, बट व्लॉग बनाए बिना कहीं जाएंगे नहीं। हाँ जुबिन को पकड़ना है, जुबिन काफी आगे निकल गया है, पकड़ लेंगे। थैंक्स टू अ बिट ऑफ एरोडायनामिक्स, आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ डिफरेंस है दोनों में, मेन चीज है एरोडायनामिक्स और उसका है लाइट वेट।
बस जब आप मतलब अपने बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ इतना सही कोऑर्डिनेशन बिठा लो और राइडिंग बडीज बन जाओ, तब आने लगता है लाइफ में असली मजा। कितने कीड़े मारे हैं कोई आइडिया नहीं है, सूरज ढलने वाला है और हम लोग आई डोंट इवन नो कितना किलोमीटर अभी आए हैं। इट्स श्योरली मोर देन 100, इट्स श्योरली लेस देन 200, प्रॉब्ली लेस देन 150, लेट्स सी। ऑलमोस्ट ये चेन सेट का लाइफ मैं ख़त्म कर चुका हूँ एंड आई एम प्रिटी श्योर नया चेन सेट का टाइम आ गया है। मतलब एटलीस्ट जैसे मैं चलाता हूँ, नॉर्मल लोगों को 10,000-15,000 में बदलना चाहिए, आई थिंक मेरे लिए 8,500-9,000 काफ़ी है चेन सेट चेंज करने के लिए। विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा, थोड़ा टप करूंगा तो 140 टच हो जाएगा, थोड़ा सा बस देखो। यार क्या राइड है गाइस, मैं आप लोगों को थोड़े देर बाद मिलता हूँ बिकॉज बहुत कुछ कवर करना है ट्रिप में। हाँ तो प्रॉपरली आप लोगों को दिखाते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा दूर में ही है, मतलब हम लोग ने 140 किलोमीटर कवर किया है, 160 मोर टू गो। मेरा फ्रेंड वीडियोस ले रहा है एंड यहाँ पे ड्यूक 250 BS6 फुल्ली पैक्ड अप टैंक बैग, और ये बैग अभी मैं राइड करूँगा स्वाट पिलन, तो देखता है स्वाट पिलन का रिस्पांस कैसा रहता है। आई थिंक सीटिंग थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, बट कंसिडरिंग बैग ने इतना जगह ले लिया, लेट्स सी, थोड़ा एग्रेसिव ही बैठना होगा जैसे ड्यूक में बैठे थे। तो चलते हैं अभी राइड करते हैं, आगे कहीं चाय वगैरह के लिए रुकेंगे, तब तक तो रुकना नहीं है भाई, और चलाते हैं अपनी भाभी को एंड अभी यहाँ से कटते हैं भाई। ओ वाओ, इजियर वे मिल गया बाइक पे बैठने का, वाह। एक्चुअली बैठने का बहुत दिक्कत हो रहा था, थोड़ा बाइक को टान ले तेरा आ गया, रिकॉर्ड हो गया कैसे तू बैठा है। मजा आएगा गाइस आज तो, और घुस गए खड़गपुर। ओ भाई, ओ इसको जरा लेटाते हैं, क्रेजी क्रेजी। ये एक बड़ा ही धूल टाइप का जगह है, बहुत ज्यादा धूल वगैरह है यहाँ पे। जुबिन का ब्रेकिंग का एक और रीजन है अच्छा होने का इसके बाइक में, डुअल स्पोर्ट टायर्स की वजह से ग्रिप बहुत अच्छा पकड़ता है बाइक। जैसे जैसे झारखंड के पास पहुंच रहे ठंड बढ़ रहा है, गर्मी लग रहा था अभी, आई स्वेयर टू गॉड ये मैं बना नहीं रहा, बट यहाँ पे ठंडा ज्यादा है भाई एंड इसके लिए मैंने इनफ प्रोटेक्शन कैरी किया हुआ है। तो अभी जहाँ भी चाय पीने रुकेंगे मैं ऊपर से सब वार्म क्लोथ्स डालूंगा, उसके ऊपर राइडिंग जैकेट पहनूंगा। झारखंड आई मिस्ड यू। अभी हम लोग चाय वाय पी के 130 किलोमीटर बाकी है एंड फ्यूल भी डलाना है, तो ये भी एक काम है। 4 लीटर्स में पहुंच जाएगा। 960 रुपए का भराया था, देखो कितना डार्क है गाइस, 960 रुपए का भराया था, बहुत अच्छा स्पीड मेंटेन करा जब तक अभी अंधेरा नहीं हो गया। अभी 80-90 में हम लोग चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं।
काफी अच्छा मेंटेन हो रहा है, सब चल रहा है अच्छे से। ये सब रोड में थोड़ा स्पीड उठा सकते हैं फिर भी, क्योंकि नॉर्मल जो अंधेरे वाले रोड जो है तो हिम्मत नहीं हो रहा है 80 के ऊपर जाने का भी। बट ये वाला राइड और ज़्यादा थोड़ा स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं बिकॉज देयर इज टू ऑफ अस, वो सेफ्टी वाला फीलिंग है। एंड वेलकम बैक टू डार्कनेस। देखो ड्यूक कैसा लग रहा है रात को, वाह यार वाह, पूरा टैंक बैग और टेल बैग लगा के लग रहा है भाई मुसाफिर का ड्यूक, मतलब एक जोशी नहीं, मेरा ड्यूक, ट्रैवलर का ड्यूक। गॉड बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में, एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि भाई मेरा फ्रेंड आ गया दो दिन बाद, एंड हमारा एक और स्कूल का फ्रेंड, हम तीनों ने मिलकर खूब मज़े किए। एक छोटा सा रिफ्यूल के बाद बैक ऑन ड्यूक। हाँ लेट्स गो, अभी भी 100 किलोमीटर्स है बट 2 आवर्स बता रहा है लगेगा कवर करने में। आई रियली डोंट नो क्या सीन है। यहाँ से घर अराउंड 60 किलोमीटर्स है, 60-65। हाँ तो रैपिडली पहुँच रहे हैं, ऐसे लाइट वाले फ्लाईओवर्स बहुत सारे मिल रहे हैं तो फिर एकदम फटाफट स्पीड पकड़ के घर पहुँचा जा रहा है। रात को फुल्ली लिट रोड ना हो तो फिर पॉट होल्स के बारे में एकदम वो रहना, ख्याल रखना। कितनी मजा आ रहा है गाइस, लास्ट स्ट्रेच है, स्पीड वगैरह पूरा मेंटेन किया हुआ है, गजब मजा आ रहा है गजब। फाइनली अपन आ गए अपने शहर, अभी घर जा रहे हैं। घर जाके पता नहीं व्लॉग कंटिन्यू होगा कि नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई एम हैप्पी।